ज्ञात हो कि सैयदना साहब इस मौके पर इंदौर में वाज मतलब प्रवचन फरमा रहे हैं। सैयदना साहब के इतने करीब होने से महेश्वर के साथ ही इंदौर के आसपास के शहरों में अधिकांश बोहरा समुदाय के लोग परिवार सहित सैयदना साहब के साथ मुहर्रम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत 154 हितग्राहियों की स्वीकृति राशि के अधिकार पत्र नगर परिषद कार्यालय हाट पिपलिया में एक कार्यक्रम आयोजित कर स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी के मुख्य आतिथ्य में स्वीकृत पत्र वितरण किए गए। गणेश चतुर्थी से लेकर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए यहां पहुंच रहे हैं। बुधवार को भगवान श्री गणेश का विशेष दिन माना जाता है। बुधवार को गणपति जी को 56 भोग लगाया गया। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इन दिनों भगवान श्री गणेश की धूम मची है। गणेशोत्सव के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं और रहवासी संघ गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर सेवा कर रहे हैं। इसी तारतम्य में मंचामन गणेश कॉलोनी के रहवासियों द्वारा आरती और महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आष्टा में आज बाबा रामदेव जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रैकवाल परिवार की ओर से विशाल चल समारोह निकाला गया। इस कार्यक्रम में रंगारंग प्रकार के कपड़े पहनकर बाबा रामदेव जी की भारतीय संस्कृति के अनुसार स्तुति की गई। मार्तंडगंज व्यवहारी में गणेश उत्सव में मार्तंडगंज गणेश उत्सव समिति द्वारा विशाल ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जिसमें उनके अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव, उपाध्यक्ष अतुल हलवाई, कोषाध्यक्ष जिम्मी वाधवानी, रजनीश खटेक, रजू शाह, सचिव सोनू चंचलानी, निखिल वाधवानी आदि ने गणेश उत्सव में विशाल ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया, जिससे मोहल्ले वासियों में खुशी का माहौल देखने को मिला। टीकमगढ़ नगर की कौशलपुरी कॉलोनी में गणेश महोत्सव के दौरान बच्चों द्वारा गरबा किया गया। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा फिल्मी गीतों पर डांस किया गया। विगत वर्ष की बात ही, इस वर्ष भी कौशलपुरी उत्सव समिति द्वारा गणेश उत्सव का आयोजन बड़े ही रीति रिवाज एवं धूमधाम के साथ किया गया। गुरुवार को कसरावत कृषि उपज मंडी में कपास खरीदने का मुहूर्त हुआ। मुहूर्त कार्यक्रम में मंडी अध्यक्ष मांगीलाल गाड़गे, पूर्व विधायक आत्माराम पटेल आदि ने मंडी परिसर में स्थित भगवान भीलड़ देव मंदिर में पूजा अर्चना के पश्चात कपास की गाड़ी का पूजन कर बोली लगाई। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हाई स्कूल गुलाना में आज विद्यालय स्तर पर गणेश उत्सव के दौरान थाल कलश सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यार्थी अपने अपने घर से थाली एवं कलश सजा कर लाए। इस अवसर पर विद्यालय में श्री गणेश जी की महाआरती का आयोजन भी किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को मध्य प्रदेश में रेल लाइन की एक महत्वपूर्ण सौगात दी। जैसे ही इस खबर की सूचना देश के विदेशी मंत्री सुषमा स्वराज, क्षेत्रीय सांसद में विधायक पंडित आशीष शर्मा को दूरभाष पर दी और कहा कि हमारी सबसे प्रमुख कार्य योजना को आज मूर्त रूप मिला। इंदौर बुधनी के बीच नई रेल लाइन की घोषणा के बाद खातेगांव क्षेत्र में विकास की नई उम्मीद जागी।